ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ
किसान पैदा होता हकदार है नहीं किसी साढ़े लोग नहीं तुम मंगते समझ रहे ना और ना अभी बड़ा परेशान लग गया वाह वे खुद भी मंगते लोगों को कहते मंगना नहीं चाहिए सच समझो असी तो परमात्मा से कुछ भी नहीं मंगते हाँ तो क्या मंगना अच्छा जी मंगिए तो कितने मंगिए मंगते जो मंगिए तो क्या मंगिए तुसी जितने भी हो सारे मंगने वाले ही हो रब से मंगते आदमी से ना मंगते हो गए अच्छा फिर मंगते आते मंगता मंगे है तो बड़ा इनकम होता मैं कभी कभी सबर करता हाँ तो कुछ रास्ते के बिच मंगने वाले सोलो आ जाते तो कहते बाबा जी महाराज कृपा करो वो सोलो मैं डाकता देखो मंगना तो पे अकल की सिक्री चाहती है मैं क्या मंगने आया थे क्या मंगना मैं तो खुद मंगने वाला फिर पैसे भी मंगते साढ़े को दस पैसे निकल भी आवेंगे मेरे को तो बोलिया पैसा भी है नहीं कौटिया का मंगने वाला राजा नहीं बन सकता है लाला भी मंगने वाला राजा बन सकता है असि कौटिया मंगते हाँ कद किस को कठिन कौटिया करा कद असि राजे नहीं बन सकते हाँ मैं साढ़े घर दिन गल ज्यादा दसदा हूं साढ़े महाराजा पटियालिया होया और बहुत गरीब आदमी था और बड़ा अकलमंद आदमी था एक दफा इंग्लैंड चला गया इंग्लैंड जाके उन्हें बहुत नई नई चीजें देखिया उन्हें पसंद आईया कि साढ़े देश में कई चीजा है नहीं उन्हें सोचा कि इसको कुछ चंगी चीजा देखिए चाहिए अपने मित्रों वास्ते उन्हें अपने मंत्री को बुलवाया चिट्ठियां लिखाइया भाई ऐसे बहुत बढ़िया से बढ़िया चीजें और चीजा के नाम लिखाए भाई एक आदमी वास्तव में एक चीज जाके दवागा ऐ नहीं भाई एक आदमी दस चीजा लिख दबे और रानिया भी लिखिया सबनों चीजा के नाम लिखे और दस दिता मैं एक चीज जाके दवागा दूसरी नहीं दूसरे आदमी जाके दवागा सब ने चिट्ठिया आ गई सब ने उन्हें जवाब भी दिते जो जो किसी ने पसंद था उन्होंने लिख दिता जेडी राजा की पटरानी थी सबसे बड़ी थी उन्हें चिट्ठी के पर कोई चीज नहीं मंगी उन्हें कहा राजा ने मैंने किसी वस्तु की जरूरत नहीं है मैंने तो तुसी चाहती है वे जे मेरे तो सच मुझे ही तुम जा रहे तो जल्दी से जल्दी आके मैं मिलो और मैं दर्शन दियो चिट्ठियां चलिया गई जो जो चीजें दिखिया मैं क्या वो राजा ने बुक करवाइया नंबर ला दिते तब उस रानी वास्ते राजा सोचता भाई मैं उसके वास्ते की वस्तु ले जाऊंगा अच्छा मैं कुछ ले गया वो भी पसंद ना आया दूसरी उन्हें चीज मंगी फिर की होगा राजा ने मंत्री ने कहा मंत्री जितनिया चीजा सारे वास्ते ही लगिया ने वो सारी एक चीज करके उस रानी वास्ते ले लो जेडी भी चीज उन्हें पसंद होगी वो ही उन्होंने दे दो मंगे जे हजार चीज थी कली कली वो हजारे चीज एक रानी वास्ते राजा ने बुक करवा के किसी पेची के बच्चे वो अपने जहाज रख ले पटा ले आके उतरिया जिन्हिया जिन्हिया चीजा वो सब अपने जगह भेज दिखा अब वो जी बड़ी पेटी जिसे भी सारा समान था वो लेके पटवारी के मैदान पहुंच गया ये सब पहुंचा था राणी में बड़ी खुशी हुई बड़ी उसकी की बड़ा उन्होंने धन्यवाद किया वे तुम मैंने दर्शन देते वे तो बड़ी लाशा थी साढ़े दर्शन कर दी उन्हें कहा राणी ये तो की गई गल कर दी है ये तो मेरे पसंद नहीं तेन तो अकल ही नहीं है कहते महाराज मैंने क्यों अकल ही है कहते तेन असी पत्र पाया था भाई तेनों कोई चीज पसंद हो गया तो तू लिखी असि लेके आवे तो कुछ भी नहीं लिखा और उन्होंने सब कुछ लिख दिता उन्होंने सब चीजा दे दिखा तू ऐसे भी मूर्ख निकल रही है तो कुछ भी नहीं लिखा कहते महाराज मैं मूर्ख हाँ या वो मूर्ख है जिन्होंने तुम अकलबंद कहते मूर्ख तो वो आ गई मैं मूर्ख नहीं हाँ कहते क्यों नहीं है तू मूर्ख
पहले उन्हां तो एक चीज प्राप्त हुई, मैंने सारिया चीजा का जो मालिक है जी चीजा रिजर्व है ना वो मैंने प्राप्त हो गया भी मैं करवा लिया या वो करवा लिया इन्होंने तो एक चीज मिली, मैंने सारिया चीजा मिल गई। जब तुम आ गए तो सारिया चीजा बढ़िया दी जानो जी भी चीज मेरे चित करेगा मैं थोड़ा कह देव जो मंगवा देव उसी वक्त राजा ने प्रसन्न होके ओके चीजा राजेंद्र का करवा दिता। ये रानी जिन्होंने देखा था मैं उन्होंने वास्ते चीज लिया हाँ बड़े से बड़ी मित्र लो बड़ी से बड़ी सारिया लो तेरे वास्ते सारिया वस्तुआं लिया जिन्हें उन्होंने लिया ये साड़ी रब न आई पक् जाए तो चीजें तो रब ने दी इन्होंने वो कही वस्तु है जी सू नहीं मिल सकती है वो कही जगह है जिसे अभी नहीं पहुंच सकते हाँ जिस जगह उस राणी ने एक राजा ने भी मंगया सब कुछ उन्होंने प्राप्त हो गया इसी जगह भी असी अपनी आड़ी रब के नाल जोड़ लीए तो सारिया चीजें रब ने ही पीनिया नहीं है उन्होंने कहना कहां कहता है इस करके ये मंगने लोगों ने करना चाहिए। अच्छा जे मंगना फिर तैजना मंगना तैजना भी मंगना नहीं आता स्वास्थ्य मंगते हैं कोई चज की चीज मंग लो फिर भी चंगी गल है वो भी नहीं तैजना मंगते हैं कहते किसी शहर के बिच राजा सी आई जी करता सरदार साहब रात को वर्षा होने लग पई और बर्फ पैन लग पई राजा घबरा गया रात के राजा को कोई जगह ना मिली एक जगह उन्होंने एक दाने भरने वाली जगह मिल गई वो वर्षा के डरता अपनी झुकी हुई बैठा उसे वो पक्ष से सिके अग बाली जाना ना सेकी जाता है राजा उसे कुदरती पहुंच गया राजा ने भी राजा घबराया वर्षा अग सेकी राजा को होश आ गई राजा ने कहा बेटे मेरे प्राण बचाए ने मनो कहा भी तू सवेरे कचहरी पेश होई मैं तो बड़ा प्रसन्न हाँ जो तू मंगेगा तेन वही दवांगे अपने घर के सलाह करके आ जाना। राजा अपना पता उन्होंने दस के चला गया वो जीवर अपने घर पहुंच गया पति नौकरी कहता है ऐसा ऐसा करके राजा साथ प्रसन्न हो गया फिर सामू राजा से क्या मंगना चाहिए ये रोज है जरा मंगने वाला ही ठीक नहीं तो वो कहती राजा खुश हो गया कहते खुश हो गया की मंगना है मैं दो साल जंगल जाना पैदा लकड़ा लिया पैदे पैदे इकट्ठे करते रहे चावल की पत्त मंग लेंगे हाँ फैसला कर लिया राजा ने पेश हुए राजा उठ के खड़ा हो इस वर्ष टीवर टीवरी गए खड़ा हो गया ये मेरे ये माता पिता ने इसने मेरे प्राण बिताए मैंने नवा जन्म दिता उन्होंने बराबर बिठा लिया बराबर बिठा के कहा दसो भी थानू की दे जो भी तुम चाहते हाँ मैं भी थोड़ा हाँ राज भी थोड़ा है धन भी थोड़ा है जी चीज तुम खोजोगे मंग लो उ दवांगा कहते महाराज जो मंगागे कहते वही मिली कहते जे बहुत तुम खुश हो गए तो पांच मिनट फक दे दो सारा कहते हर फाटी है सारे फक गए करनी कहने महाराज जंगल जाने से औखे होंगे तो कहते चाज ना मंग कहते चंगा महाराज दस मिनट है वो कहते तू बंदा क्यों नहीं बनता मैं अभी तेन क्या देर लोग कहते हाँ कहते जी पंद्रह मिनट वो कहते वो चाज ना मंग लिया कहते महाराज रखने जगह ही है वो फक मंगने वाला कभी राजा थोड़े बन सकता मंगने की भी अकल सीखनी चाहिए कहते कोई ये भी संतां से पूछना चाहिए जो मंगना ये तो भी संतां से पूछा करो कोई मां अन्नी थी वो औलाद नहीं थी वो हर वक्त रोंदी रहती थी घर के पिछे प्रार्थ करती रहती थी इसे उन्होंने कोई सैनी माई मिल गई उन्हें कहा तू इतने रोंदी रहनी है तुझे संतां से चली जाएगा जब तेन औखी गल कभी सुनो तब गल मिल जाए करू चंगी तेरे शांति हो जाया करूगी संतान को जान लग पी संतान को जान लग पी संतान ने पूछा मां क्या क्या नहीं है तू हर बार खुद खुद का जी रही है कहते महाराज मेरे औलाद नहीं संत बड़े ढंग जानते हैं पुत्र इस चीज का गुरु जी ने
मंत्र होंगे थे और नौ मंत्र था दस किस मंत्र से जाप लिया वो जाप रखते करने आज जाप करने वाले में तो रुपये लग गए क्या कहें ये को धनी लोग वाले रुपये लग गए मुझे धनी बच्ची थी ना रुपये थी बकरी बकरी देखते रहो वो चंगा वो चंगा ऐसा पा करो ही तुम कहीं लाख पे नहीं तो उस मानो तुम कहीं लाख पे नहीं बनेगी जब तक पार्टी का लगा काम कर दे तो सामने का तो पहचान ले उन्हें क्या बात है कि तेरे साथ जो सुबेरे कोड़े का बामन वाला मेरे तू क्या मांगेगी ऐसे मारा तो तुम मांगे अल्लाह तेरे वाला और सोचिए नरक मांग ली कोई चाइटी चीज मांग ली कहते फिर तुझी दस दो उन्होंने उन्होंने दस दिता दे कि जेरा वो पर दस होगा ब्रह्मा तो एक गल सही इस वक्त दस बीस दिन महीना बिचारा पा के ब्रह्मा प्रगट हुए ब्रह्मा की उपासना कर रही थी तो उन्हें क्या माता जी मंगती मंगना उन्हें क्या महाराज जब तुम प्रगट हो गए अंतरजामी है नो तो फिर मैं की पूछना मंगना तुम आपे जान के दस दो दे दो कहने ना जो तू मंगना कहते जो मंगागी वही मिलूंगा कहते वही मिलू तब गुरु महाराज ने कहा कि मैं तीन फेरी कहा नहीं हूं पहला कहते रब हेरा फेरी कर दिता उन्हें तीन फेरी कहे जो मैं मंगागी वही मिलूंगा कहते वही मिलूंगा कहते चंगा महाराज जी मेरे पर ठीक है तुम प्रसन्न हो गए हो तो फिर मेरी बेनती सुनो वे मैं अपन धीमिया नो अपने पुत्रा नो अपने दो ध्यानों अपनी दो ध्यानों सोने चांदी के फसलों के बेचे दुध मक्खन भोग लगवाया भगवानों मैं देखा सोने चांदी दिया बर्तन सोने चांदी दिया बर्तन के बेचे दुध मक्खन देख भगवानों भोग लगवाया देखा ऐसा नीचे गल सारी गल खत्म नहीं कर दी पिछे की रह गया पहला उतनी मंग ले जिया भी मंग लिया दो भी मंग ले दो भी मंग लिया भगती भी मंग ली फिर सोने चांदी के बर्तन के बेचे सोने चांदी के बर्तन के बेच दुध मक्खन दही दे भोग लगवाया मैं अपने औलाद नो अपने कुटुंब नो देखा नाल अखा भी मंग लिया ये मंगना तो भी ढंग का सीखो और स्वास्थ्य मंगने वाले हो कि गल पूरी होगी पार्टी ये मंगना है तो अभी तेरे से कुछ के मंगो ये तेरे साथ जे बोले सच बोले ये स्कूल पर लिखे रहा भाई जावे चाहे तू सौ मंग रही एक अभी चीज मंग रही और आ मंग रहा गल कहता इस करके जेडे ये संसार के पदार्थ मंगने ये दुख मंगण है इन समझदारी नहीं कह रहा है ज्ञान के पासी मंगनी रानी मदारता एक बोल से बीच अपने पुत्र बाप के मर लग गया जैसे इन्हें मुसीबत पै जाए अत्यंत मुसीबत पै जाए तो इन्हें कट के पढ़ के देख ली आखिर मुसीबत का भी पै गए जन्म करना पै गया कल लंबी चौड़ी है इसी चीज ऊपर वाले है नहीं चढ़ाई करके राजा आ गए ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਕਿ ਅੱਠ ਕੁੱਤੇ ਸੱਤਾਂ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਕਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤ ਬਣਾ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਵਾਲਾ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜਿਹਾ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗੁਪਤ ਚਰਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫੁਰਤਾ ਜੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਰ ਚਲੋ ਜੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਅੱਧੀ ਲੜਕੀ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਪੁੱਤ ਕਰ ਲਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕੰਠ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਵਿਵਾਨ ਨੂੰ ਸੱਠ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਅਪਸਰਾਂ ਲੈ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊ ਰਾਜਾ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਏਗੀ छोड़ लगा राज लक्ष्मी ने नमस्कार करता है और वो फिर राजा के बुजुर्ग ने फोटो होंगे
खेती खेती फिर बाहर बाजा बजे रहता जल्दी होती थी, वो सब लोग करता 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 राज लक्ष्मी जब बोले प्रार्थना करते हो सकता माता मैं मुड़ के ऐसी आ सकता या ना आ सकता। बुजुर्ग ने फोटू भी आए, माँ का फोटू भी बोले आ गया, माँ का फोटू बोले आ गया ही और चेता आ गया। फिर माँ ने क्या था तेरे को मुसीबत हो गए, देखो कलेश कितनी खेती बढ़ ढूंढा है, इतने अकल की लोड़ है। तो उस वक्त तू उस कागज में पढ़ के देख रही वो ऐसे बढ़िया हुआ था, मांगे फाटे गए थे कागज ना लिया बढ़िया करते थे, ऐसे बिना का ख्याल कर लिए ऐसे तुम्हें बढ़िया करते थे नहीं सही तो जैसा खून होंगे थे लोटे लोटे के फाड़ देते करते भी थे होंगे वो तो सजावन बजावन ही रह गया बस ऊपर ऊपर से पोटर पाटर ना सुखे के नाल कहीं जावे कहीं खून तक भी थे नहीं। ਉਹਨਾਂ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਵੀਤ ਖੋਲਿਆ, ਖੋਲ ਕੇ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਾਸਾ ਦੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ, ਇੱਛਾ ਪਰਮ ਦੁੱਖਮ ਨਿਰਇੱਛਾ ਪਰਮ ਸੁੱਖਮ। ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਇੱਛਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤੇ ਪਰੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਬੰਦੀ ਛੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਿਕਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪ ਸੁਖੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਜੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਿੰਡਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਘੀ ਹੈਗੀ, ਆਟਾ ਮੁੱਕ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਮੰਗਵਾ ਲਓ ਭੇਜਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਸ਼ੇਮ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਬਾਹਰ ਪਾਵਾਂ ਕੋਈ ਦਸ ਕੋਈ ਡੱਕ ਕੇ ਲਈ ਜਾਵੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਓ ਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਿਲਣਾ ਸਾਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੀ ਮਿਲਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ, ਰਾਜਾ ਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਨੇ ਸ਼ਾਪ ਦਿੱਤਾ ਤਾ, ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੱਪ ਲੜਕੇ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਕੋਲ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਬੇਚਿਆ ਬਹੁਤ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਨ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ, ਵਿਆਪਕ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਪਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇ ਪੈ ਦੇਣਗੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਾਜ ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਰਾਜਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਜਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਾਜ ਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਭਾਗਵਤ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਹ ਕਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ,
ਜਦੇ ਜਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਭਗਤੀ ਹੈ।